नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कतलकर और आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। नौकरी का आश्वासन देकर एक महिला को नागपुर बुलाकर उसके साथ कुकर्म करने वाले दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश की रहने वाली तलाकशुदा महिला की सोशल मीडिया पर नागपुर के एक युवक के साथ जन पहचान हुई। आरोपियों ने उसे नागपुर बुलाकर एक रिसोर्ट में ले गए और कोल्ड ड्रिंक्स में नींद की दवाई मिलाकर दोनों ने पीड़िता के साथ कुकर्म किया। सुबह जब पीड़िता को पता चला कि उसके साथ कुकर्म किया गया तो उसने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। सिरोंचा बस डिपो की बसें अब छत से टपकने लग गई है और बारिश के मौसम में यात्रियों को बस में बैठकर छाता खोलने की नौबत आ गई है। एक और विकास की गुंजे सुनाई दे रही है। वहीं राज्य परिवहन निगम की ओर देखो तो विकास लापता नजर आ रहा है। गोंदिया जिले के तिरोड़ा से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर सरांडी गांव के एक कुएं में उतरे चार युवकों की कुएं के जहरीले गैस के कारण दर्दनाक मौत हो गई। कुएं में रखे पंप की मोटर को सुधारने के लिए पहले एक युवक नीचे उतरा, उसके ऊपर न आने के कारण दूसरा नीचे उतरा और उसके बाद अन्य दो कुएं में उतरे और दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हुई। पौनी तहसील के एक ही सप्ताह में हमला कर दो व्यक्तियों की जान लेने वाले बाघ को नजरबंद करने में वन विभाग को आखिरकार सफलता मिली। कल इस बाघ ने एक व्यक्ति पर हमला किया था और उसकी जान ले ली थी। उसके बाद बौखलाए नागरिकों ने वन अधिकारियों पर हमला बोला था। जब से हमारे दोस्तों ने केडेंस एकेडमी ज्वाइन की है, ना इन्हें फीस की टेंशन और ना मोटी मोटी किताबें रटने की। यहाँ मोटी किताबें नहीं भी लर्न थ्रू प्रैक्टिकल स्टडी। मूवीज को पूछो तो कहेंगे सॉरी ब्रो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट शुरू है, कांट मिस द क्लास। मिलते हैं तो इतने खुश दिखेंगे जैसे कुछ मिस ही नहीं किया। वी आर सो स्ट्रेस्ड फॉर प्लेसमेंट। और वो इतने रिलैक्स्ड है जैसे उनकी जॉब लग ही जाएगी। लग भी गई, वो भी इंटरनेशनल ब्रांड। जब आपकी हॉबी बने आपका पैशन और उसे मिले सही डायरेक्शन तो करियर और आप बढ़ेंगे सबसे आगे। कैडेंस एकेडमी ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइनिंग। एसीसी सीमेंट कंपनी नकोड़ा से चार नग कन्वेयर बेल्ट चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 14 जून को रात में इस चोरी की शिकायत सुरक्षा रक्षक ने पुलिस थाने में की थी। इस मामले में दोनों आरोपियों को LCH क्वार्टर नकोड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया है। खेत में स्थित इलेक्ट्रिक के खंभे में करंट आ रहा है, ऐसी शिकायत एक किसान ने विद्युत वितरण विभाग से की। उनके आने के पहले ही शिकायतकर्ता किसान की उसी इलेक्ट्रिक खंभे का करंट लगने के कारण दुखद मृत्यु हुई। यवतमाल जिले के रालेगांव की इस घटना के कारण विद्युत विभाग के खिलाफ नागरिकों में रोष व्याप्त है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 5वीं कक्षा तथा 8वीं कक्षा के छात्रों को सालाना इम्तिहान देना अनिवार्य कर दिया है। इसके पूर्व 8वीं कक्षा तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाता था, मगर अब राज्य सरकार के निर्णय से छात्रों को 5वीं कक्षा तथा 8वीं कक्षा को पास करना अनिवार्य होगा। गढ़चांदू शहर में एक बौखलाए हुए कुत्ते ने शहर के लगभग 8 लोगों को काटने का मामला आया सामने, जिनमें अधिकतर बालक शामिल है। सामाजिक संस्था द्वारा नागरिकों से आह्वान किया जा रहा है कि वह इस कुत्ते से संभाल कर रहे तथा छोटे बच्चों को घर से बाहर निकलने ना दें। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बल्लारपुर तहसील को ODF प्लस तहसील का सम्मान प्राप्त हुआ है और यह विदर्भ की पहली तहसील है। इसके पूर्व भी 2016 में बल्लारपुर तहसील को विदर्भ का पहला हागनदारी मुक्त तहसील का सम्मान प्राप्त हुआ था। आता जमीन घेण्यासाठी वाट पाहू नका, अगोदर जमीन घ्या आणि मग वाट पहा। श्री साई असोसिएट्स बुटीपुरी जवळ नॅशनल हायवे 7 ला टच लेआउट, फक्त कमर्शियल प्लॉट्स उपलब्ध। NMRDA सँक्शन प्लॉट्स ते पण RL लेटर सोबत। ऑफर रेट आहे फक्त 1070 रुपये स्क्वेअर फीट। 25% डाऊन पेमेंट आणि 75% बँक फायनान्स उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे अपोजिट प्रगती भवन, छत्रपती स्क्वेअर रिंग रोड, नागपूर। अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 9326514214। श्री साई असोसिएट्स। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।